बता दो कितने हो सकते हैं ये। बेशक बाइक ऐसा लग रहा है कि धूप पे, क्योंकि आजकल जो है मैंने कुछ दिन से डेली ब्लॉग करने का सोचा हुआ है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ तो वो तो नहीं बताऊँगा मैं आपको, तो चलो ब्लॉग में लग जाएगा आपको पता। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखना गाइज, क्योंकि आजकल जो है मैंने कुछ दिन से डेली ब्लॉग करने का सोचा हुआ है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करो तभी जाके हो पाएगा, ऐसे तो मुश्किल ही है। तो चलो फिर चलते हैं। पहले आज बाइक पे नहीं जाएंगे, आज हम गाड़ी में जाएंगे गाइस। धूप में बाइक ऐसे चमक रहा है, और ये चमक जरूर रहा है पर ये फेड हो जाएगा ऐसे से, और अगर शाम को बारिश आए तो उसमें पानी चला जाएगा यार। उसके ऊपर ना ये डाल देते हैं हम, इसके फ्यूल टैंक में ना पानी नहीं जाना चाहिए यार। लर्निंग का स्टिकर से चिपकाया था और वो तो स्टिकर निकल गया, और इसका जो ग्लू है वो चिपक गया और इसमें धूल चिपक गया बाहर से। तो आगे वाला तो निकल गया बारिश से धूल के, पीछे वाला रह गया है। तो फ़ोन को निकाल देता हूँ पहले, और पापा ने ना बहुत आगे सीट की होती है देखो भाई। थोड़ा बहुत क्रीम लगाया होता ना घर में, वो गाड़ी में आके ना धुल जाता है क्योंकि इतने पसीने हो जाते हैं। इससे भी इतनी गर्म हवा आ रही ना, बोलूँ आपको मैं। और बेशक ना बाइक अभी देख लो ना, बेशक बाइक ऐसा लगता है कि धूप पे, मतलब कि इसमें मज़ा नहीं आता है भाई। जैसे धूप पे बैठेंगे ना अब इसमें, और सामने से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, जो वहाँ छाया होती है, और क्या ही फील आता है। तो बाइक पे जाना चाहिए वैसे तो मेरे को। फिलहाल गाइस मैं क्यों आया था आपको बता ही देता हूँ। मैं बैंक तक आया था गाड़ी की किस्त देने, तो गाड़ी की किस्त दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। गर्मी भी लग रही है गाड़ी में, कितने लग सकते हैं आपको कमेंट में बताओ। The next day. तो कल इस ब्लॉग को मैं पूरा नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया था, वहीं पर जहाँ मैं बैंक पर गया था वहीं पर स्विच ऑफ हो गया था। इसमें 4-5% बैटरी थी, जितने में मैं मतलब फ्री होके आया उतने में देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो ब्लॉग नहीं बना पाया। उसका ड्यूटी भी जाना था, उसके बाद घर आया, अभी सो के ही उठ रहा हूँ। तो ये वैसे दूसरा दिन है आज, ये वाली मीम आई है इसमें द नेक्स्ट डे, तो आई है अभी देखते, और मतलब आ गई है। और उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया। तो आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताओ कि मेरे को किस तरह के ब्लॉग बनाने चाहिए, और ब्लॉग में नया कुछ क्या करना चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि हम वो चीज़ अपने ब्लॉग में सुधार सकें। तो मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय, और अपना सभी ध्यान रखें।